एक बार की बात है, एक आदमी एक पहाड़ के पास रहता था और वह हर दिन सोचता रहता था कि इस पहाड़ पर किस प्रकार चढ़ा जाएगा और मुझे पहाड़ के ऊपर से क्या दिखाई देगा। एक दिन वह पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देता है। चढ़ाई के दौरान उसे एक और यात्री मिलता है जो कि पहाड़ से नीचे आ रहा था। वह व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम पहाड़ कैसे चढ़े थे और तुमने पहाड़ के ऊपर से क्या देखा। वह यात्री उसे पहाड़ चढ़ने का रास्ता बताता है और पहाड़ के ऊपर से क्या देखा ये भी बताता है। उस व्यक्ति को यात्री का बताया हुआ रास्ता काफ़ी कठिन लगता है। वह सोचता है कि अब वह पहाड़ चढ़ने का कोई और रास्ता ढूंढेगा और वह नया रास्ता ढूंढते ढूंढते चढ़ाई करनी शुरू कर देता है। उसे फिर एक और यात्री मिलता है। वह भी उसे जो रास्ता बताता है उसे बहुत कठिन लगता है। वह निर्णय नहीं कर पाता कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इस प्रकार वह एक एक करके अन्य 20 से 30 व्यक्तियों से मिलता है जो पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं। वह सब उसे पहाड़ चढ़ने का रास्ता भी बताते हैं और ऊपर से क्या देखा ये भी बताते हैं। अब वह व्यक्ति सोचता है कि ऊपर से क्या देखता है ये तो अब पता ही चल गया है, तो फिर अब मुझे पहाड़ चढ़कर क्या करना है। दुर्भाग्य से वह पहाड़ चढ़ना बंद कर देता है। इस प्रकार वह पहाड़ की चोटी के नज़ारे को कभी खुद अनुभव नहीं कर पाता। अन्य लोगों के द्वारा दी गई जानकारी तथा उनके अनुभव आप शब्दों से समझ तो सकते हैं परंतु उसे स्पष्टता से अनुभव कर पाना असंभव है। उस चोटी को स्वयं देखने और अनुभव करने के लिए आपको अपनी कोशिश से उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। जब आप स्वयं उस चोटी पर खड़े होंगे तब आप पूर्ण रूप से उसे देख पाएंगे और अनुभव कर सकेंगे। हमें अपना अनुभव दूसरों के शब्दों को सुनकर बनाने की बजाय स्वयं काम करके बनाना चाहिए। वही हमारा पूर्ण रूप से असली अनुभव होगा।